नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं rebellionvoice.com। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी न्यूज चैनल के बारे में दिखाने जा रहे हैं कि इन्होंने कैसे कांग्रेस का प्रचार किया है प्रयागराज में जाकर, कैसे कांग्रेस के समर्थकों को इन्होंने सिखाया है कांग्रेस के लिए बोलने के लिए कैमरा पे। इस वीडियो में हम आपको तीन वीडियो दिखाएंगे कि कैसे पत्रकार कांग्रेस समर्थकों को समझा रही है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे कांग्रेस की ब्रांडिंग करनी है मीडिया के सामने। तो आइए हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। बहुत ही बड़े न्यूज चैनल की एक पत्रकार 15 कांग्रेसियों को जमा कर उन्हें बकायदा ट्रेनिंग देकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कराती हुई यह दिखाने का प्रयास कर रही है जैसे कि प्रियंका वाड्रा के राजनीति में आगमन को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। हम आपको एक वीडियो अभी दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि वह कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बता रही है और उन्हें याद करा रही है कि उन्हें कैमरा के सामने क्या बोलना है। तो आइए देखते हैं पहला वीडियो। अब हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं वह किस प्रकार एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से बात कर रही है और हाथ से इशारा कर बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नारे लगाने के लिए कह रही है। देखते हैं ये दूसरा वीडियो। अब तीसरे वीडियो को देखिए। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता माइक देखकर रुक जाता है वह उसे पुनः इशारा करती है कि नारेबाजी चालू रखो। ये तीसरा वीडियो आप देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे चैनलों पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी घटना को दिखाया जो कि कैमरा में कैद हुई थी और हमें ये सोशल मीडिया से ये वीडियो मिला और ये सारी जानकारी भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू प्राप्त हुई है। इन ऐसे चैनलों पर भरोसा करना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। इससे पहले भी इन चैनलों ने एक बार अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्हें क्रांतिकारी बताया गया था। बकायदा उस इंटरव्यू का भी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो आप सब ने देखा ही होगा कि कैसे नामी गिरामी पत्रकार अरविंद केजरीवाल का बखान कर रहे थे और कैसे उनकी ब्रांडिंग की जा रही थी। इसके पूर्व भी एक पत्रकार एक नशे की आदि लड़के को शराब की बोतल और पैसे का लालच देकर मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री के विरुद्ध मीडिया के सामने नौटंकी कर उन मंत्री व भाजपा के छवि खराब करने की षड्यंत्र रचता हुआ कैमरा में पकड़ा गया था। अब देश की मीडिया ऐसी करेगी तो जनता की भरोसा किस पर होगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं
कि आप ऐसे चैनलों पर अपना भरोसा नहीं रखेंगे और देश हित के चैनलों को देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके और सभी लोग ऐसे मीडिया चैनलों का बहिष्कार कर सके जो जनता तक गलत खबर पहुंचाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।